गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएमई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर सर चेतन शर्मा। टुडे वीडियो फॉर द क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड साइंस सब्जेक्ट। टुडे वी आर टेकिंग अ न्यू चैप्टर बेटा, हम लोग आज नया चैप्टर लेंगे। चैप्टर नंबर 12 है आप लोगों के आया हुआ, उसका नाम है मेन नेचुरल रिसोर्सेज। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज़ ये कह देता हूँ, ये चैप्टर में इस बार रिडक्शन में कोई भी रिडक्ट नहीं किया गया, ये एज इट इज़ पूरा का पूरा आएगा। इवन यहाँ तक कि इसके मार्किंग भी बढ़ा दिया गया, पहले इसके मार्किंग 4 मार्क्स का था है ना, लेकिन अब इसका मार्किंग 6 मार्क्स का कर दिया गया है। वो जो भी होगा वो क्लैरिफाई करके हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी डेफिनेटली इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ है और इसके मार्क्स बढ़ गए। अब पहले हम लोग फोकस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास में, और जल्दी से हम लोग फोकस करते हैं मेन नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो हम लोग ये जानें कि ये रिसोर्सेज होते क्या है। देखो रिसोर्सेज को अगर मैं ध्यान से बताऊं आप लोगों को, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, एक तो री और एक सोर्सेज। अब री का तो मतलब होता है अगेन एंड अगेन, री होता है ना दोबारा, तो री मतलब अगेन एंड अगेन। एंड सोर्सेज का मतलब हो गया कि दो थिंग्स जो अपन लोगों को ऑप्टेंड होती हो, तो सोर्सेज का मतलब हो गया जहां से अपन लोगों को कोई चीज ऑप्टेंड होती हो। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोगों को फ्लावर आप लोगों को कहाँ से ऑप्टेंड होते हैं, तो आप लोग बोलोगे गई गार्डन से फ्लावर आप लोगों को ऑप्टेंड होते हैं, या सोर्सेज है वो वहाँ का, ठीक है ना। मैंने आपको बोला वाटर के सोर्सेज क्या, तो आप लोग बता दोगे सर पॉन्ड से पानी मिल सकता है हम लोगों को, रिवर से पानी मिल सकता है हम लोगों को, कैनल से पानी मिल सकता है हम लोगों को, रेन से भी पानी मिल सकता है, तो ये सोर्सेज हो गए। तो सोर्सेज मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको रिसोर्सेज की मीनिंग पहले समझते हैं, फिर हम लोग आगे नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे। पहले रिसोर्सेज देखो, रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया बच्चों, एवरीथिंग दैट इज री यूज अगेन एंड अगेन एंड यूज बाय ह्यूमन बींग आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ध्यान से सुनना, ऐसी चीजें जिनका उपयोग मानव प्रजाति द्वारा या मनुष्य द्वारा किया जाता है, और एक बार नहीं बार बार किया जाएगा, या तो डायरेक्टली करेंगे वो जाकर, या फिर वो किसी इनडायरेक्टली मीडियम के थ्रू होकर आएगा। इनडायरेक्टली बोले तो वो खुद जाकर नहीं कर रहे, सेल्फ नहीं हो रहा है, कहीं से उनके पास होकर आ रहा है। कहने का मतलब दोनों ही सूरत में वो यूज़ तो कर रहे है ना, चाहे डायरेक्ट कर रहे हो चाहे इनडायरेक्ट कर रहे हो, दोनों ही सूरत में वो यूज़ कर रहे। तो जब ह्यूमन बींग द्वारा किसी भी सोर्सेज का अगेन एंड अगेन यूज़ किया जाता हो, तो वो क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको वाटर, विंड, ठीक है ना, सनलाइट वगैरह ये बता दिया। अब सनलाइट यूज कर रहे लेकिन कहीं ना कहीं से अल्टरनेट यूज भी हो रहा है उसका, तो कहने का मतलब हो गया डायरेक्टली भी हो रहा है और इनडायरेक्टली भी हो गया, कर जरूर रहे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ गया जाता है। अब इन्हीं रिसोर्सेज के क्लासिफाई किया हो, रिसोर्सेज के भी टाइप्स होते हैं, तो रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हो आपकी बुक में, हालांकि इतने नहीं है आपकी बुक में, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को डिटेल नॉलेज दे देता हूँ। रिसोर्सेज जब भी आप पढ़ोगे, रिसोर्सेज को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब तीनों में डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज तो नाम से पता चल गया कि भाई नेचर से जो मिलने वाले सोर्सेज होंगे जिनका उपयोग मानव बार बार करेगा, तो वो करेगा नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो गया, कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन भी अपना एक एनवायरमेंट बनाता है, तो ह्यूमन क्या करेगा अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ों का यूज़ करता रहता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज में वो रोड वगैरह हो गया, एजुकेशन फील्ड से वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, तो ये ह्यूमन का रिसोर्सेज है ना, ह्यूमन भी अपने कुछ इंगेज करता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तो बिल्डिंग वगैरह हो गया, रोड वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन डैम्स वगैरह हो गया, तो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई वाली चीज़ है ना, हाउसेज वगैरह। अब इन दोनों को तो छोड़ते हैं हम लोगों का मेन फोकस पॉइंट, क्योंकि चैप्टर का हेडिंग ही यही है नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज पर आ जाओ। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की क्या डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, देखो द सोर्सेज विच आर, ऐसे सोर्सेज जो हम लोगों को कहाँ से ऑप्टेंड होते हो, नाम से पता चल रहा है नेचुरल है ना, तो कहाँ से ऑप्टेंड होगा, नेचर से, कहाँ से है, नेचर से। तो मेन आपको अंडरलाइन क्या कर देना है, ऐसे सोर्सेज जो हम लोगों को नेचर से ऑप्टेंड होते हो, एंड अब इसको री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एंड ह्यूमन बींग यूज देम अगेन एंड अगेन फॉर देयर ओन पर्पज। अब यहाँ ओन पर्पज का मतलब क्या हो गया, हो सकता है वो उससे बिजली बना रहे हो सकता है वो उससे सिंचाई वगैरह कर रहे हो, एग्रीकल्चरिंग कर रहे हो सकता है डोमेस्टिक पर्पज में काम आ रहा हो सकता है वो इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हो, कुछ भी हो, येन केन प्रकार वो यूज जरूर कर रहे हैं, अब अपने खुद के पर्पज के लिए कर रहे हैं, है ना।
तो वो क्या कहलाएंगे, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब एग्जांपल के तौर पर देखो, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, लैंड हो गया, मिनरल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं, मैंने अभी फिलहाल इतना ही बता दिया। अब नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया हुआ है बच्चों, तो नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई तीन सेगमेंट में किया हुआ है। देखो किस किस बेस पर किया हुआ है। सबसे पहला बेस ले लिया ऑन डेवलपमेंट एंड यूज। अब ये डेवलपमेंट और यूज क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है और उनका विकास हो रहा है, तो डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के साथ में उनका किन का यूज किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट में बता दिया, कौन से, एक तो रियल और एक हो गया पोटेंशियल। अब ये रियल और पोटेंशियल क्या हो गया, सुनना, फिर मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, अभी पहले सुन लो। रियल का मतलब ये हो गया कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो वाकई में नेचर में अवेलेबल है और एक एविडेंट लेवल में अवेलेबल है। एविडेंट बोले तो जो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान के द्वारा दिया, जैसे एयर है वगैरह है। अब इनको बनाने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो रियल या ट्रू बोल दीजिए, तो ये इनका ऑलरेडी विकास। अच्छा, पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डेवलपमेंट और यूज के हिसाब से कैसे हो गया। पोटेंशियल का मतलब क्या, ऐसे भी रिसोर्सेज होंगे जिनके ऊपर काम किया जाएगा और उनका आगे और ज़्यादा क्षमता है उनके अंदर, पोटेंशियलिटी है, ऐसी टेंडेंसी है कि उनका और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, विंड है ना, विंड यानी कि एयर। अब एयर जब मूविंग करती है तो मूव करती हुई एयर से हम लोग क्या बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मूव करती हुई एयर से हम लोग उसी वेलोसिटी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो ये पोटेंशियल में आ गया, यानी कि उस नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग हम लोगों ने फर्दर और यूज कर दिया, तो पोटेंशियल आगे जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा नेचुरल रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों, ओरिजिन का मतलब होता है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, जहां से ये फॉर्म्ड हुआ, तो ओरिजिन बोल दीजिए, या सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग, कहां से ऑब्टेन हुआ। तो देखो इसके अकॉर्डिंग भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो बायोटिक हो और एक ऐसे जो एबायोटिक। अब बायोटिक और एबायोटिक क्या हो गया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बायोटिक का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं नेचर में बट विद इन द लाइफ इन फॉर्म, ठीक है ना, लाइफ होती है उनके अंदर, जीवन होता है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, तो ये ऐसे माइक्रोब्स वगैरह हो गया, इंसेक्ट वगैरह हो गया, ये ऐसे ग्रुप है जिनके अंदर लाइफ होती है और ये नेचर में अवेलेबल होते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनका भी तो उपयोग किया जाता है ना, प्लांट्स का भी उपयोग करते ही हैं, एनिमल्स का भी तो उपयोग करते ही अपने खेती बाड़ी में वगैरह में, या वूल कल्चर में, या सेरिकल्चर में वगैरह में, सिल्क वगैरह फॉर्म करने में, लेदर वगैरह फॉर्म करने में किया जाता है। एबायोटिक का मतलब क्या हो गया, एबायोटिक का मतलब क्या, ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे जिनमें लाइफ नहीं होगी, है ना, लेकिन नेचर में अवेलेबल है। सच रिसोर्सेज विच डज नॉट हैव लाइफ इन देम बट ऑलरेडी अवेलेबल इन द नेचर, तो वो एबायोटिक हो गए, लिविंग नहीं है। आप लोग इसको नॉन बायोटिक भी बोल सकते हो, है ना, या नॉन लिविंग भी बोल सकते हो। थर्ड क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है वो क्या हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो चीज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, पहले तो उसका स्टोरेज होना चाहिए ना, पहले तो वो चीज कलेक्ट होनी चाहिए, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कलेक्ट ही नहीं किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कैसे चलेगा। तो ऐसे अभी नेचर में देखा गया है कि पहले कुछ रिसोर्सेज को स्टोरेज किया जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसके बेस पर भी दो बांट दिए, एक यूबिसिटस यानी कि यूनिवर्सल और लोकल। अब ये यूनिवर्सल और लोकल का मतलब क्या, यूनिवर्सल का मतलब क्या, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो सब जगह अवेलेबल है। अब जैसे मैं वाटर की बात करूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, वाटर, मैं अगर वाटर की बात करूँ H2O, है ना, तो वाटर जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, हर जगह लगभग अवेलेबल ही है ना, सनलाइट जो होगी वो हर जगह अवेलेबल होगी। हाँ, पानी फिर भी पता है आप लोगों को कई जगहों पर ऐसा है शॉर्टेज होगी या पानी कम होगा, लेकिन आप लोग सनलाइट को तो मान लो, सनलाइट प्रॉपरली हर जगह पर, हर किसी कंट्री में, हर किसी कंट्री के कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना, हर जगह अवेलेबल रहती है सनलाइट। ऐसी चीज़ नहीं है कि सनलाइट होगा ही नहीं, सन होगा ही नहीं, सन की लाइट मिलेगी नहीं, सन की रेडिएशन हर जगह मिलती है, तो ये यूनिवर्सल में हो गया। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या गया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह हो रहा है, ऑल ओवर, है ना, तो वो यूनिवर्सल हो गया, यूबिकोटस हो गया। लोकल का मतलब क्या, जो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर पाई जाती है, जैसे मैंने अगर आप लोगों को बात करूं कि ब्लैक सॉइल, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ब्लैक सॉइल, अच्छा ब्लैक सॉइल एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है, तो वहीं से इसका स्टोरेज होता है, वैसे वहीं उन आसपास से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लोकल का मतलब ये हो गया जो एक लोकलाइज हो,
एक ही जगह पर पाई जाती हो, एक स्पेसिफिक कंडीशन में अवेलेबल होती है। जैसे ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल मैंने कहा महाराष्ट्र में अवेलेबल होती है, कर्नाटक में अवेलेबल होती है, थोड़ा बहुत अपन लोगों को तमिलनाडु उड़ीसा वगैरह यहाँ पर भी अवेलेबल होगी, लेकिन मोस्टली एविडेंस आप लोगों को इसका लोकलाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र रीजन में, ठीक है ना। और ये ब्लैक सॉइल शुगर केन वगैरह कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी मार्किंग कितनी अपग्रेड कर दी गई है। अभी के लिए फिलहाल मैं बता दूं, पिछला जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये 4 मार्क्स का था, इसमें भी डिवाइड किया हुआ था 1 VSA का था और एक आप लोगों का 3 मार्क का शॉर्ट टाइप का आता था, तो 3+1 4 हो गया। लेकिन अब मैंने कहा है इसकी मार्किंग बढ़ा दी गई है, अब आई थिंक ये 6 मार्क का हो गया है, कन्फर्म मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना, नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा तो मैं आगे के प्रोसीजर के ऊपर बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोस्टली कोशिश करेंगे कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि चैप्टर को ज़्यादा डिटेल का नहीं है। ओके, थैंक यू।